आज की इस वीडियो में जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो टॉपिक है परसेंटेज की है। तो सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस को लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मैं मान लू ये कोई नगर है और नगर की जनसंख्या मैंने आपको दे दी कितनी, 12,100 है। अब कंडीशन ये है कि इस नगर की जनसंख्या में क्या हो रहा है, 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। यानी प्रतिवर्ष कितने परसेंट की वृद्धि हुई जनसंख्या में, 10% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि 2 वर्ष बाद बढ़कर जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्ष बाद बढ़कर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, पहला क्वेश्चन बन सकता है। जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, अगर ये वर्तमान जनसंख्या है तो 2 साल पहले जनसंख्या क्या थे, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन बताया ये मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए देखिए, जो मैंने आपसे बोला था मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, और जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें मैंने आपको क्या बताया, मैंने इसमें आपको यही बताया अगर ये कोई नगर है। अब नगर की जनसंख्या मैंने आपको दे दी कितनी, 12,100। कंडीशन ये है इसकी जनसंख्या में क्या हो रहा है, 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। जो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि 2 साल बाद बढ़कर जनसंख्या कितनी होगी, पहला क्वेश्चन बन सकता है। जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कैसे आप इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये जो भी वर्तमान जनसंख्या ये अपने आप क्या है, 100% होगी। जो भी जनसंख्या ये अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। अगर ये 100% तो ये अगले साल में कितने बढ़ेगी, ये 10% बढ़ेगी, तो ये अगले साल बढ़ के कितना हो जाएगी, कुल 110% होगी। लेकिन ये नई संख्या हो जाएगी अगले साल बढ़ के, ये फिर अपने आप में क्या हो जाएगी, नई संख्या हो जाएगी, नई जनसंख्या हो जाएगी। तो ये फिर से तो अपने आप में 100% होगा, फिर से अपने आप में क्या हो जाएगा, 100% होगा। फिर इसमें क्या होगा, 10% की वृद्धि होगी, अगले साल बढ़ के ये कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे आप ज्ञात करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप कैसे यहाँ की जनसंख्या बताएंगे मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको बस इससे कुछ लेना देना नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन ये है, सबसे पहले क्या करना, आपको ये जनसंख्या लिखना है, ये जनसंख्या आप यहाँ से लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको करने की जनसंख्या यहाँ से आप लिख लीजिए, आपने जनसंख्या लिख लिया। अब इसके बाद ये चेक करिए कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। ये जो भी जनसंख्या अपने आप में 100% है, अगर आप करें कि 100 में क्या कर देंगे, 10 जोड़ देंगे, 100 में 10 जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा, यहाँ से 110% हो जाएगा, 110% हो जाएगा। और आप 110% को क्या लिख सकते हैं, 110% को क्या कर सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे और बटा कितना दे आपको, 100 देगा। कितना देगा, यहाँ से जीरो कट गया तो यहाँ बचा कितना, 11/10 बच गया। कितना बच गया आपका, 11/10। 110% का मतलब कितना हो गया, 11/10। तो करना क्या आपको, सीधे सीधे से आपको ये वर्तमान जनसंख्या आपको लिख लेना, आप करना है कि 11/10 का इसमें लाके आप गुणा कर दीजिए, 11/10 का लाके गुणा कर दें, आपको ये पता चलेगी अगले साल जनसंख्या कितनी हो जाएगी। लेकिन प्रश्न पूछा क्या, 2 साल बाद पूछा है ना, तो इस प्रोसेस को कितनी बार आपको लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। इस प्रोसेस को कितनी बार आपको लिखना पड़ेगा, 2 बार आप यहाँ से लिख लीजिए। अगर प्रश्न में 3 साल बाद पूछे तो क्या करें, इस प्रोसेस को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, ठीक है। लेकिन 2 साल बाद पूछे तो क्या करें, इस प्रोसेस को 2 ही बार लिखेंगे। आप करने के इसका कैलकुलेशन करिए और आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये 00 से ये 00 कट गया, यहाँ से गुणा कर लो तो 11 की कितना हो जाएगा, 11 के 11 में गुणा करें कितना हो जाएगा, 121 होगा। 11 के 11 में गुणा करें कितना हो जाएगा, 121। अब करना है कि 121 का 121 में गुणा करना है, अगर आप 121 का 121 में गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 14,641 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अर्थात आप बता सकते हैं कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी, 14,641 हो जाएगी, ठीक है। ये इसका पहला हो गया, यानी पहला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ये तो फिगर बस मैंने आपको बताने के लिए किया, लेकिन आप इस क्वेश्चन को क्या करें, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर ये 2 साल पहले पूछा है, दूसरा क्वेश्चन क्या, 2 साल पहले पूछा है, तो आपको करने के जो भी जनसंख्या दी गई आप यहाँ पे लिख लीजिए, करने के जनसंख्या आप यहाँ से लिख लीजिए। अब करने के इस रेशो क्या करना, आपको पलट के गुणा करना है, इस रेशो क्या करना, आपको पलट के गुणा। अगर पहले की जनसंख्या पूछेंगे तो इस रेशो क्या करना, आपको पलट के गुणा कर देना इसमें, अगर आप इससे पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/11। कितने साल पहले पूछे, तो 2 साल पहले पूछे, इस प्रोसेस को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। तो यहां से 10/11 हो गया।
आप करना के इसका कैलकुलेशन करिए और आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसका यहाँ से गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 121 मिल जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, 121। 121 से 121 कट जाएगा, 100 बार में कट जाएगा। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लें, अगर इन सभी का गुणा कर लेंगे तो कुल कितना मिल जाएगा आपको, 10,000 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि उस नगर की 2 वर्ष बाद बढ़कर जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इतनी होगी, और 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 10,000 थी। ठीक, यही इसका कॉन्सेप्ट है सीधे से। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, आपको करने के डायरेक्ट इस तरह से आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, यानी जनसंख्या आपको दे दिया गया है, यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही हो तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। ठीक है, जनसंख्या में कितने हिसाब, कितने परसेंट की वार्षिक हिसाब से वृद्धि हो रही है, 5% के हिसाब से वृद्धि हो रही है। ये जो भी जनसंख्या अपने आप में क्या 100% होगी, अगर 5% वृद्धि हो रही है, ये बढ़ के कितना हो जाएगी अगले साल, 105% होगी, 105% होगी। 105% को लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे, बटा कितना देगा, 100 देगा, तो 105 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा, काट के छोटा कर ले, 5 × 10 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, 105% को क्या कर सकते हैं, इस तरह भी तो लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। अब करना क्या, आपको जनसंख्या आप यहाँ से लिख लीजिए, वर्तमान जनसंख्या वो कितना दे दी आप यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 2 साल पहले पूछा गया क्या, अगर 2 साल पहले पूछा जाए तो करना के इसको पलट करें, इस रेशियो क्या करें, पलट करके इसमें आप गुणा कर लीजिए, अगर आप इससे पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 बटे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, क्योंकि पहले का पूछा है तो हम लोग क्या करें, इसको पलट के इसमें गुणा कर लेंगे, तो 20 बटे 21। ठीक है, अब करना के यहाँ से कैलकुलेशन करिए, अगर आप इसका यहाँ से गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगी, 441 आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये देखिए इससे इसमें जब भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्यों, ये जो 4 बार में कटेगी नहीं कटेगा, अब ये 00 इसके आगे तो आप इसको 00 लगा दीजिए। अब करने के इन सभी का आपस में गुणा कर लेते, सबसे पहले क्या करते हैं, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 4 × 8 हो गया, 8 × 2 कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखिए कितने 0 लगेंगे, 2 0 यहाँ पे है और 2 0 यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या करिए, 4 0 आप लगा दीजिए। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि उस कस्बे की 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, इतना थी, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर, है ना, ये बेहद ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक मशीन का क्रय मूल्य 20 कितना, 2 लाख है, एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है, यानी इतने रुपए, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया। क्वेश्चन में क्या जानना चाह रहे हैं, अगर मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन का मतलब यहाँ से क्या हो जाए, आपका कमी हो जाएगा, मशीन के मूल्य में 10% के हिसाब से कमी हो रही है तो 3 साल बाद मशीन का मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, जो भी मशीन का मूल्य होगा अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, अगर इसमें 10% की कमी हो जा रही तो बचा कितना, 90% ही तो बचा, आप 90% को क्या लिख सकते हैं, 90% को क्या लिख सकते हैं, 9/10 करेंगे, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा, 1 0 से 1 0 कट गया तो 9/10 बचा, इसको आप क्या कर सकते, इस तरह से लिख सकते। अब करना क्या आपको, आप यहाँ से जो मशीन का मूल्य दिया आप यहाँ से लिख लीजिए। ठीक है, आपको करना है कि यहाँ से आप लिख लीजिए। अब देखिए क्या पूछा गया, 3 साल बाद पूछा गया, क्या पूछा गया, 3 साल बाद पूछा गया, तो करना के इसका अलग इसमें 3 बार गुणा कर दीजिए, अगर पहले का पूछता तो हम लोग क्या करते, इसको पलट के गुणा करते, क्यों, पहले का पूछता तो हम लोग क्या करते, पलट के गुणा करते, लेकिन ये 3 साल बाद पूछा है हम लोग करेंगे इसका डायरेक्ट इसमें ला के गुणा कर देंगे, 9/10 3 बार जब हम करेंगे, 9/10 9/10 हो जाएगी। अब ये देखिए 3 0 से इसका ये 3 0 कट गया, 3 0 से 3 0 इसका कट गया। अब आपको ये पता है कि 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। आप करना कि यहाँ से गुणा कर लीजिए, अगर आप गुणा कर लेंगे तो लास्ट में 00 आपको मिलेगा ही, 2 4 कितना हो जाएगा, 2 9 18 हो गया, 2 5 यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा, आपको इतना मिलेगा। ठीक है, अगर इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो आपको इतना मिलेगा, तो देखिए कौन सा इसका मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या आपको दे दी गई इतना है तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आपका वही रहेगा,
अगर जो भी जनसंख्या होगी अपने आप में क्या होगी 100% होगी। अगर उसमें 5% की वृद्धि हो गई तो बढ़ के कितना हो गया 105% हो गया, जनसंख्या बढ़ के कितने हो जाएगी 105%। 105% को क्या लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 दे देगा, तो 5 × 10 हो गया, 5 × 1 = 5 हो गया, कितना हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं। 105% को क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या, जो भी जनसंख्या दी आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो भी जनसंख्या दी आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब इसका लाके इसमें गुणा करना है, कितने साल बाद पूछे, 4 साल बाद पूछे है ना, तो इस प्रोसेस को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 4 बार लिखना पड़ेगा। यहां से 21/20 हो गया, 21/20 हो गया, 21/20 हो गया, फिर क्या करना, एक बार और करना है, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करिए और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा इसका, पूरा 4 जीरो से पूरा इसका कट जाएगा। अगर इन सभी का गुणा कर लें तो कितना मिल जाएगा, 2 × 4 मिल जाएगा, 4 × 2 = 8 मिल जाएगा, 8 × 2 = 16 मिल जाएगा, यानी 16 से ये देखिए 16 कट जाएगा, नहीं खेल इससे ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब करना है कि इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए, आपको ये पता है अगर आप 21 का 21 में गुणा करें कितना मिल जाएगा, 441 आपको मिलेगा, यहां से भी गुणा करें कितना हो जाएगा, 441 आपको मिलेगा, ठीक है। अब करना है कि इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, इन दोनों क्या करना आपको आपस में गुणा कर लें, अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1944 आपको मिलेगा, ठीक है। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे इन दोनों का गुणनफल आपको कितना मिल जाएगा, इतना आपको मिलेगा। तो देखिए कौन सा उसके मैच करा है, तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या आपको इतना दे दी गई है, ठीक है। यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। आपसे पूछा गया प्रश्न 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। और जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही, 4% के हिसाब से वृद्धि हो रही थी। जो भी जनसंख्या अपने आप में क्या 100% होगी, इस समय जो भी जनसंख्या अपने आप में 100% है, अगर इसमें 4% की वृद्धि हो जा रही तो अगले साल बढ़ के कितना हो जाएगी, 104% हो जाएगी, 104% हो जाएगी। अगर आप परसेंटेज हटाएंगे तो बटा कितना देगी आपको, 100 दे देगा, बटा कितना देगा, 100 देगा। अगर इसको 4 से काट दूं तो कितना हो जाएगी, 26 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 26/25 की वृद्धि हो रही है। जनसंख्या आपको दे दी गई, आप यहां से लिख लीजिए वर्तमान जनसंख्या आपको दे दिया गया। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया, 2 साल पहले पूछा गया कि 2 साल बाद पूछा गया, तो मैं देख रहा हूँ 2 साल पूर्व पूछा, यानी 2 साल पहले का पूछा गया। अगर 2 साल पहले की जनसंख्या जानना चाह रहे हैं तो करना कि इसको पलट के आपको गुणा करना है, इसको क्या करना आपको पलट के इसमें गुणा कर ले, अगर आप इससे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25/26 हो जाएगा, 25/26 हो जाएगा, ठीक है। अब कि आपको ये पता है कि 26 का स्क्वायर कितना होता है, या 26 का 26 में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 676 आपको मिलेगा, 676 से 676 कट जाएगा, 100 बार में आपका कट जाएगा। और आपको ये पता है कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, इसका इसमें गुणा कर ले आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये 00 इसके सामने जाएगा। अर्थात आप बता सकते हैं कि उस गांव की 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 62,500 थी। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सी देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से कमी होती है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया। इसमें कंडीशन क्या है, बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में क्या हो जा रही है, 4% की वृद्धि हो रही है, यानी एक नगर से दूसरे नगर में व्यक्ति चले जा रहे हैं तो उस नगर की जनसंख्या में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। इसमें यही जानना चाह रहे हैं उस नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया, ठीक है। अगर हम लोग मान ले वर्तमान जनसंख्या जो भी हो रही है अपने आप पे क्या रहेगी, 100% रही होगी, अब उसमें हो क्या रहा है, 4% वार्षिक दर से कमी हो रहा, तो 100% थी उसमें से 4% कमी हो गई तो बचा कितना, 96% बचा, यही ना। और 96% को लोग क्या कर सकते हैं, 96/100 कर सकते हैं। आप करना है कि इसको काट के आप छोटा कर लीजिए, अगर काट के छोटा करें 4 × 8 = 16 गया, ये कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, अर्थात उसमें कितने की कमी हो रही है, 24/25 की कमी हो रही है, ठीक है। और ये जनसंख्या आपको क्या दिया, 2 साल पहले का दिया है, 2 साल पहले का दिया है और आज की जानना चाह रहे हैं। करने के आप यहाँ से लिख लीजिए, जो भी जनसंख्या दी आप यहाँ से लिख लीजिए। अब इसका गुणा इसमें कितनी बार करना है, 2 बार करना है,
इसका एक बार और गुणा करना पड़ेगा, तो आप यहाँ से कर लिए 24 बटे कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, आप करने के इसका कैलकुलेशन करिए और आपका क्या जाएगा आंसर है। अगर आप 25 का 25 में गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 625 आपको मिलेगा। और 625 ये देखिए कटिएगा, कितनी बार में कटिएगा 100 बार में कटिएगा। आप करने के इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए, इन सभी का क्या करना है आपको आपस में गुणा करना है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, या 24 का 24 में गुणा करें कितना मिल जाएगा 576 आपको मिलेगा, 576 आपको मिलेगा। अब देखिए ये 00 बचा है, तो आप इसके सामने क्या करिए 00 आप यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, अर्थात आप बता सकते कि उस कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, इतनी है। तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 8 देखा जाए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। तो उस शहर में पुरुषों की संख्या थी, इस क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को लोग क्या करें एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। यानी पुरुषों की संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, और स्त्रियों की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है, और दोनों मिलाकर यानी दोनों की संख्या में कितने की वृद्धि हो जा रही है, 9% की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तो आप इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व करिए। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से लिख लीजिए पुरुष लिख लीजिए और आप यहाँ से स्त्री लिख लीजिए। ठीक है, पुरुषों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है, आप यहाँ से 10% लिख लीजिए। अब स्त्रियों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है, लेकिन कुल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 9% की वृद्धि हो रही है। करना क्या, आप यहाँ से 9% आप लिख लीजिए। अब करना के इसको एलिगेशन मेथड से लोग सॉल्व करते हैं, एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। करना के इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, 1% मिलेगा, परसेंट से परसेंट दोनों साइड कट जाएगा। अब करना के इनकी कुल जनसंख्या आपको दे दी गई, शहर की कुल जनसंख्या कितनी है, 8000 थी, तो आप यहाँ से लिख लीजिए कितना ये 8000। अब दोनों मिलाकर पुरुष और महिला दोनों मिलाकर इसमें, अगर आप रेशियो में दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, पुरुष महिला मिलाकर 2 मिलेगा। करना के इससे इसमें आप क्या करिए भाग दीजिए, अगर आप भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4000 बार जाएगी। आप किसकी संख्या पूछा है, पुरुषों की संख्या पूछा है, आप क्या करिए पुरुषों वाले मिला के गुणा कर दिए। अगर इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो कितना मिले आपको, 4000 मिलेगा। ठीक है, अर्थात आप बता सकते हैं कि उस शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है, कितनी थी, 4000 थी। तो सी ऑप्शन किसका मैच कर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।